सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूँ केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के उद्योग, और राजस्थान के उद्योगों के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर जो देखा है वो देखा है कि राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत है, जिसके अंदर हमने रिको, RFC, राशिको, रूडा और इन सभी संस्थाओं के बारे में चर्चा की है। तो इसके बाद में हमने देखा कि वो जो रिको है उसके द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम या औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, ये सब हम पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं, पिछली क्लास के अंदर हमने इसे देख लिया है। नेक्स्ट, आज की क्लास में हम जो शुरू करने वाले हैं ये रहेंगे हमारे पास में कि राजस्थान के जो उद्योग धंधे हैं उनमें से हम मुख्य उद्योगों को उठा करके उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास में आता है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखिएगा जरा। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग है। ये वाला क्या रहेगा, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन, एक तो बात रखना प्राचीन व सुसंगठित उद्योग रहेगा। सुसंगठित उद्योग है। ये तो बात हुई राजस्थान की, लेकिन इसे हम अगर विश्व स्तर पर देखें तो विश्व स्तर पर आप एक बात जरूर देखेंगे कि जो राजस्थान का यानी जो विश्व स्तर पर सूती वस्त्र के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है इंग्लैंड का मैनचेस्टर। इंग्लैंड देश का जो एक स्थान है जिसका नाम है मैनचेस्टर जो किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए विश्व विख्यात स्थान है। अब इसी आधार पर प्रत्येक देश का हम कह देते हैं कि जैसे भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो इस प्रकार से आप दो तीन बातें ध्यान रखिएगा कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, चीन का मैनचेस्टर किसे कहेंगे। और ध्यान रखिएगा मैनचेस्टर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो चीन का मैनचेस्टर कहलाएगा शंघाई जो है ये क्या कहलाएगा, चीन का मैनचेस्टर कहलाएगा। जापान की बात करते हैं तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, तो ओसाका जो है नगर वो जापान का मैनचेस्टर कहलाएगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, भारत का मैनचेस्टर तो ध्यान रखिएगा भारत का मैनचेस्टर कौन सा आ जाएगा, अहमदाबाद जो है ये भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। उसके बाद में उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करें, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो ये कह रहेगा कानपुर यूपी के अंदर है कानपुर। और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो ये रहेगा कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद देखिए राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाएगा भीलवाड़ा कहलाएगा, वस्त्र नगरी कहलाएगा। भीलवाड़ा जो है वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल नगरी कहलाएगा, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाएगा। राजस्थान के नवीन मैनचेस्टर की जब बात करते हैं, नवीन मैनचेस्टर के नाम से अब किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे भिवाड़ी जो है ये कहाँ पे है, अलवर में है, जिसे हम राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहेंगे। क्लियर, तो ये बात होगी हमारे पास में राजस्थान के मैनचेस्टर के बारे में, और मैनचेस्टर जो है ये कहाँ पे है, इंग्लैंड के बारे में हमने देख लिया है। चलिए वापस लौटते हैं, राजस्थान तक पहुंच चुके हैं, तो अब राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो भारत में सूती वस्त्र के लिए 1818 के अंदर कलकत्ता के अंदर सबसे पहले मिल स्थापित की गई थी। और राजस्थान के अंदर देखते हैं तो राजस्थान में आती है हमारे पास में 1889 के अंदर, 1889 के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे पहले सूती वस्त्र के लिए मिल की स्थापना जो है वो ब्यावर में की जाती है, ब्यावर के अंदर। और ये स्थापित करने वाला कौन है, तो ये रहता है हमारे पास में सेठ दामोदर दास राठी वह श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर के राजस्थान के अंदर सबसे पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना की थी। और वो जो सूती वस्त्र मिल थी उसका नाम रखा गया दी कृष्णा मिल्स, दी कृष्णा
मिल्स, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। तो सबसे पहले ये जो था तो ये कौन सा रहेगा, ये निजी क्षेत्र रहेगा, क्योंकि उस समय क्या था, निजी क्षेत्र था। सार्वजनिक जो है वो हम देखेंगे 1947 भारत आज़ाद के बाद की बातें होंगी जो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है, जिसे पब्लिक कहेंगे, लेकिन ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर का है। और इसके बाद में देखते हैं तो ये है राजस्थान के, अगर इसे हम देखें तो इसे कार्यशील के आधार पर, कार्यशीलता के आधार पर, कार्यशीलता के आधार पर अगर हम देखते हैं कि दृष्टि से देखें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी मिल कहलाएगी, सबसे बड़ी मिल कहलाती है। लेकिन अगर क्षेत्र के आधार पर हम देखें कि राजस्थान की सबसे बड़ी मिल कौन सी है, बड़ी मिल कौन सी है, तो तब हमें मिलेगी कौन सी, उम्मेद मिल्स, उम्मेद मिल मिलेगी, उम्मेद मिल। और ये कहाँ पे है, ये पाली के अंदर है, पाली में, ठीक है, तो ये कहाँ पे, पाली के अंदर है। तो देखिएगा इसके बाद हम देखते हैं कि 1956 के अंदर, 1956 के अंदर जब औद्योगिक नीतियाँ जो हैं, या 1956 के अंदर जैसे ही राजस्थान का निर्माण हो जाता है, तब हम देखते हैं, क्योंकि राजस्थान की स्थापना हो गई है, तो अब उस समय देखते हैं कि राजस्थान में कुल कितनी मिल्स थी। तो 1956 के अंदर देखें तो 1956 में राजस्थान के अंदर कुल 7 मिल्स थी। 1956 के अंदर कितनी थी, 7 मिल्स थी राजस्थान के अंदर, 7 मिल्स। और वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान, तो वर्तमान में राजस्थान में कुल 23 मिल हैं, 23 मिले हैं राजस्थान के अंदर, जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र की जो है, सार्वजनिक क्षेत्र, इन्हें आगे तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है, एक सार्वजनिक क्षेत्र होता है, और एक होता है सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र होता है, और एक होता है निजी क्षेत्र, एक होता है निजी क्षेत्र होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो 3 मिल्स आएंगी, सहकारी की 3 मिल्स हैं, और 17 मिल्स ऐसी हैं जो कि निजी क्षेत्र की हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर की हैं, किसी प्राइवेट पर्सन की वो मिल्स हैं, उसके द्वारा स्थापित की गई हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्र मिल जो है राजस्थान का एक सुसंगठित उद्योग है और सबसे प्राचीन उद्योग है, और सबसे पहले 1889 के अंदर जो है ब्यावर के अंदर सेठ दामोदर दास राठी और श्याम कृष्ण वर्मा ने यहाँ पे ब्यावर में स्थापना की दी कृष्णा मिल्स की। और उसके बाद हम देखते हैं कि उम्मेद मिल्स जो है ये राजस्थान की सबसे बड़ी मिल कहलाएगी सूती वस्त्र के लिए। और इसके बाद देखते हैं कि जो हमारे पास में जो मिल्स हैं 1956 के अंदर 7 थी और वर्तमान में 23 आ चुकी हैं, जिनमें से कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, कुछ सहकारी और कुछ निजी क्षेत्र की कहलाएंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब आता है हमारे पास में चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग के बारे में देखते हैं। चीनी उद्योग, जो चीनी उद्योग होता है ये वजन हरास उद्योग होता है, ये बहुत जल्दी, यानी क्योंकि अगर हमने गन्ने की पिराई जल्दी से नहीं की तो वो जल्दी से ही अपना रस खत्म कर देगा और बहुत ही कम हमें चीनी प्राप्त होगी, तो ये वजन हरास उद्योग होता है, ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अब देखिए जरा चीनी के बारे में देखते हैं, तो चीनी के लिए सबसे पहली जो मिल है 1932 के अंदर, 1932 में पहली जो मिल है मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना चित्तौड़गढ़ में की जाती है, चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर है, भोपाल सागर नामक जो स्थान है, भोपाल सागर नामक स्थान के पास में मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना की जाती है। और उसके बाद में 1937 के अंदर गंगानगर शुगर मिल्स की स्थापना की जाती है, गंगानगर शुगर मिल्स की स्थापना श्री गंगानगर जिले में की जाती है, गंगानगर में की जाती है। और ये जो स्थापना की गई है, इस समय ये जो मिल है ये निजी क्षेत्र की है, इस समय ये किसकी है, निजी क्षेत्र की है। और उसके बाद देखेंगे कि इसे 1956 के अंदर, यानी 1956 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की बना दिया जाता है, इसे सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, यानी कि पब्लिक क्षेत्र में इसको सरकार के द्वारा इसे ले लिया जाता है, इसका पब्लिकेशन किया जाता है। अब इसके बाद देखिएगा 1968 के अंदर यहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक योजना चलाई जाती है, चुकंदर से चीनी बनाना, चुकंदर है
और चुकंदर से चीनी बनाने की जो योजना है वो कब शुरू की जाती है, यहाँ पे 1968 के अंदर की जाती है। और ये जो मिल है अगर हम देखें तो पहले जो ये गंगानगर शहर में स्थित थी, और वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में ये जाएगी, वर्तमान में हम इसे देखेंगे गंगानगर जिले की कर्णपुर तहसील के कमीनपुरा गांव में इसको स्थापित किया गया है वर्तमान के अंदर। ठीक है, ओके, ये तो है गंगानगर शुगर मिल्स के बारे में है। इसके अलावा अगर हम देखें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर 1965 के अंदर बूंदी का केशवरायपट्टन है, बूंदी जो डिस्ट्रिक्ट है बूंदी, उसका एक शहर है केशवरायपट्टन। तो यहाँ पर एक निजी क्षेत्र में मिल्स की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा 1976 में उदयपुर में भी एक चीनी मिल की स्थापना की गई, चीनी मिल्स की स्थापना की जाती है। तो यह है राजस्थान का चीनी उद्योग। ठीक है, तो चीनी उद्योग के बारे में आपने ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो प्रसिद्ध है सबसे वो मेवाड़ शुगर मिल्स और गंगानगर शुगर मिल्स है। और इसके बारे में आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है हमारे पास में सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग की चर्चा करते हैं, तो सीमेंट उद्योग के लिए अगर हम देखें सबसे पहले तो भारत के अंदर 1904 में समुद्री शिपियों द्वारा मद्रास जिसे वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, चेन्नई में समुद्री सिपियों से सीमेंट तैयार किए जाने का कारखाना स्थापित किया गया था, लेकिन ये उतना कारगर नहीं हुआ। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 1915 में ये एक क्लिक निक्सन कंपनी थी। इस कंपनी के द्वारा लाखेरी बूंदी के अंदर क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा सीमेंट बनाने का कारखाना स्थापित किया जाता है। और अगर हम सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें तो सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान आता है उत्पादन की दृष्टि से बात करते हैं तो राजस्थान का पहला स्थान आएगा। और राजस्थान के अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ का पहला स्थान आएगा। अग्रिम जिला है राजस्थान का। ओके, इसके बाद देखिए जरा, तो यहाँ पे लाखेरी सबसे पुराना कारखाना स्थापित किया गया। और अगर हम इन कारखानों में देखते हैं तो जयपुर उद्योग लिमिटेड जो है ये सवाई माधोपुर के अंदर है, जो कि सबसे बड़ा कारखाना है इस सीमेंट उद्योग का। और जेके सीमेंट को अगर हम देखें तो जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, जो कि सबसे अधिक क्षमता वाला यानी उत्पादन क्षमता सबसे अधिक किसकी रहेगी, जेके सीमेंट की रहेगी। और सबसे कम उत्पादन क्षमता की बात करते हैं तो श्री रामनगर कोटा में, जो कि उत्पादन क्षमता में सबसे कम उत्पादन क्षमता इसकी रहती है। और सबसे अधिक उत्पादन क्षमता की बात करेंगे तो जेके सीमेंट रहेगा। और उत्तर भारत की अगर हम देखते हैं कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है, तो वो है श्री सीमेंट है। ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, जो कि कहाँ पर स्थापित है, ब्यावर में स्थापित की गई है। तो ये है सीमेंट के बारे में। और सीमेंट की दो किस्में हैं, विशेष किस्में हैं, एक तो है पोर्टलैंड और एक है पोजलाना। तो ये दो किस्में जो है ये सीमेंट की किस्में हैं, ये ध्यान रखेंगे सीमेंट की क्या है
किस्में हैं ये वाली, ये किस्में रहेंगी सीमेंट की। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो सीमेंट है ये दूसरा सीमेंट है, और सफ़ेद सीमेंट की यदि हम बात करें, सफ़ेद सीमेंट, तो सफ़ेद सीमेंट के व राजस्थान के अंदर चार कारखाने जो हैं स्थापित किए जा चुके हैं। सबसे पहला कारखाना इसका गोटन नागौर में स्थापित किया गया था, गोटन नागौर में। और अगर हम वर्तमान में देखें तो उन चार में से दो कारखाने हमें गोटन नागौर में मिलेंगे, और एक खारिया खंगार, खारिया खंगार जोधपुर में मिलेगा। जोधपुर में हमें एक कारखाना मिलेगा किसका, सफ़ेद सीमेंट का। और एक हमें नया स्थापित किया गया है मांगरोल तो मांगरोल के अंदर स्थापित किया गया है, और ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर भी सफ़ेद सीमेंट का एक कारखाना यानी चौथा कारखाना यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो कितने, तीन का ये चार कारखाने रहेंगे, ध्यान रखिएगा, सीमेंट सफ़ेद सीमेंट के चार कारखाने, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, गोटन नागौर है जो सबसे पहला स्थापित किया गया था। लेकिन सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो खारिया खंगार है, जो कि बिड़ला कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है, बिड़ला कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना। ओके, इसके अलावा देखोगे तो सवाई माधोपुर के अंदर त्रिशूल शाप सीमेंट बनाया जाता है, और चित्तौड़गढ़ के अंदर चेतक शाप सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, चेतक शाप कहाँ पे मिलेगा, चित्तौड़गढ़ में, और त्रिशूल शाप कहाँ पे मिलेगा, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, ये था हमारे पास में सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट आता है कांच उद्योग। तो कांच उद्योग के बारे में देखिएगा जरा, कांच के उत्पादन के लिए हमें किन किन कच्चे माल की हमें आवश्यकता होती है, ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसके लिए पांच इम्पोर्टेंट ऐसे तत्व हैं जो कि इसके लिए चाहिए होते हैं। एक है हमारे पास में सबसे पहले सीसा, सल्फेट, सोडियम, बालू रेत और सिलिका। और सिलिका ही सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है इस कांच उद्योग के अंदर। और सिलिका के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो सिलिका के उत्पादन में प्रथम स्थान आता है हरियाणा का। हरियाणा सिलिका उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान। तो राजस्थान जो है सिलिका उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहेगा। और ये पांचों तत्व हमें कांच उद्योग में आवश्यक हैं। और कांच उद्योग अगर हम देखें तो राजस्थान के अंदर सबसे का अधिक कांच उद्योग का जो विस्तार हुआ है ये धौलपुर में हुआ है। धौलपुर में कांच उद्योग के लिए सबसे पहली जो वर्कस है, ग्लास वर्कस है, वो कौन सी है, दी हाई टेक्निकल प्रोसीजन वर्कस, जो कि धौलपुर के अंदर स्थापित की गई है। ये क्या करती थी, ये राजस्थान सरकार की निगरानी में गंगानगर शुगर मिल्स के लिए बोतल निर्माण करने का कार्य करती थी, लेकिन वर्तमान में ये बंद है। दूसरी बात करते हैं धौलपुर ग्लास वर्कस, तो ये भी कहाँ है, ये भी धौलपुर के अंदर है। धौलपुर ग्लास वर्कस जो है धौलपुर में है। और सेमकोर ग्लास वर्कस जो है ये है कोटा के अंदर, और ये सैमसंग कंपनी के द्वारा स्थापित है। सैमसंग कंपनी के द्वारा स्थापित है, जहाँ पे यानी इसके ग्लास ट्यूब बनाए जाते हैं, जो अपने मोबाइल के आगे ग्लास कवर का लगते हैं, वो सैमसंग कंपनी के जो है वो कहाँ पे बनते हैं, सेमकोर ग्लास वर्कस में करते हैं, जो कि कोटा में स्थापित है। बॉश एंड लाभ लिमिटेड की बात करें तो बॉश एंड लाभ लिमिटेड जो है ये भिवाड़ी अलवर में स्थापित है, भिवाड़ी अलवर में, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर लेंस व चश्मे बनाने का जो कार्य किया जाता है वो भिवाड़ी में किया जाता है, बॉश एंड लाभ लिमिटेड के द्वारा। सिरेमिक पार्क, ये ध्यान रखिएगा, सिरेमिक पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये बीकानेर में है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, बीकानेर में सिरेमिक कहाँ रहेगा, बीकानेर में रहेगा। तो ये था हमारे पास में कांच उद्योग। और एक लास्ट जो आज की हम क्लास में देखने वाले हैं, ये हमारे पास में रहता है ऊन उद्योग।
देखिएगा ऊन उद्योग के बारे में, तो ऊन जो है ये हमें कहाँ से प्राप्त होगी, तो ऊन हमें प्राप्त होगी भेड़ से, भेड़ से ऊन प्राप्त होगी। तो भेड़ के बारे में अगर हम देखते हैं तो भेड़ भारत के अंदर जितनी भी भेड़ें हैं उनका 16.7% भेड़ों का पालन जो है ये राजस्थान में किया जाता है, राजस्थान। तो राजस्थान में भारत की कितने प्रतिशत भेड़ें पाली जाती हैं, तो 16.7% भेड़ें पाली जाती हैं। और अगर ऊन की बात करें तो ऊन कितना प्राप्त किया जाता है, ऊन ऊन उत्पादन की बात करते हैं तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है, राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। दूसरा स्थान हमारे पास में किसका रहेगा, कर्नाटक का रहेगा, कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है ये दूसरे स्थान पर रहेगा, ठीक है। तो ये तो क्या है, ऊन उत्पादन करना है, यानी राजस्थान जो है ये 40% ऊन का उत्पादन करता है भारत की, 40%। जबकि भेड़ें कितनी पाली जाती हैं, यहाँ पे 16.7% भेड़ें पाली जाती हैं और ऊन उत्पादन किया जाता है 40%। ऊन मंडी की बात कर लेते हैं तो ऊन मंडी हमें कहाँ मिलेगी, तो ऊन मंडी मिलेगी बीकानेर में, बीकानेर में मिलेगी। और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ऊन विश्लेषण जो प्रयोगशाला है ये भी कहाँ पे है, ये बीकानेर के अंदर है, बीकानेर में है। केंद्रीय ऊन बोर्ड देखते हैं तो केंद्रीय ऊन बोर्ड हमें मिलेगा जोधपुर में, केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ मिलेगा, जोधपुर के अंदर, जोधपुर में है। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र, विदेशी ऊन का आयात निर्यात करना है तो ये कहाँ पे, कोटा में किया जाएगा, कोटा में इसका सेंटर बनाया गया है। और भेड़ ऊन का प्रशिक्षण करना है तो ये जयपुर में होगा, जयपुर के अंदर भेड़ ऊन का प्रशिक्षण, जयपुर में ऊन प्रोसेसिंग हाउस भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा ऊन प्रोसेसिंग हाउस भीलवाड़ा के अंदर है। और कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर जो है, कंप्यूटर के द्वारा एडेड जो कारपेट डिजाइन सेंटर है ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है, जयपुर में स्थापित किया गया है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र जो है ये कहाँ पे रहेगा, बीकानेर में रहेगा, बीकानेर में रहेगा गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। तो ये था, ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि भेड़ों का जो है पालन कितना किया जाता है, 16.7%, जबकि राजस्थान ऊन उत्पादन करता है 40%, भारत का 40% ऊन का उत्पादन करता है। कांच उद्योग के बारे में आपने देख लिया कि यहाँ पे हमें 5 तत्व इसके इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, ये 5 तत्व ये हैं यहाँ पे। और सेमकोर ग्लास वर्कर्स जो है ये कहाँ पे, कोटा के अंदर है। और सिरेमिक पार्क ये इम्पोर्टेंट रहेगा, सिरेमिक पार्क जो कि बीकानेर में स्थित है। ओके, सीमेंट उद्योग के लिए आप देखेंगे तो सीमेंट उद्योग के लिए पहला कारखाना जो है वो लाखेरी बूंदी के अंदर है। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा है, जेके सीमेंट है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला। और सफ़ेद सीमेंट के लिए आप किसको याद रखेंगे, गोटन नागौर को। और सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना खारिया खंगार जोधपुर कहलाएगा, ठीक है। और सीमेंट उत्पादन करने में राजस्थान में पहला स्थान जो रहेगा चित्तौड़गढ़ का रहेगा। और कांच उत्पादन करने में राजस्थान में पहला स्थान जो है वो किसका रहेगा, धौलपुर का रहेगा, प्रथम स्थान किसका रहेगा, धौलपुर। यानी कांच उद्योग सर्वाधिक धौलपुर में ही विकसित हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारे पास में कांच उद्योग। चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग के बारे में आपने देख लिया कि मेवाड़ शुगर मिल्स और गंगानगर शुगर मिल्स जो है ये इसके लिए सर्वाधिक कारगर साबित है। और वर्तमान में जो गंगानगर शुगर मिल है ये कमीनपुरा गांव में स्थापित की गई है। और फिर है हमारे पास में सूती वस्त्र जो है वो प्राचीन एवं सुसंगठित उद्योग है राजस्थान का। तो आज की क्लास में इतना ही है, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।